हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है बैंक एग्जाम्स टुडे के यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये पॉलिटी सीरीज का फर्स्ट चैप्टर है। अगर आप लोग कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल अवेयरनेस या पॉलिटी पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करे हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी कवर करे हैं जिनके पेपर में पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत ना हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट या सजेशन हो तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। पहले हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन को हम हिंदी में संविधान बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसे सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री और हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड बोलते हैं। इसे हम हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई भी लॉ नहीं होता। ये एक ऐसा लॉ है जो सभी लोगों को फॉलो करना पड़ता है अगर उन्हें उस कंट्री में रहना है। जैसे अगर आप लोग इंडिया में रहते हैं तो आप लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है, अगर आप यूएस में रहते हैं तो आपको यूएस कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन हमें रूल्स बताता है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं अगर हमें उस कंट्री में रहना है। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है या उसका उल्लंघन करता है तो उसे सजा मिलती है। दो इम्पॉर्टेंट फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आप लोगों को पता होने चाहिए वो ये हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लेक्सिबल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम फ्लेक्सिबल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हमने पहले कोई लॉ बनाया है और हम चाहते हैं कि उस लॉ को हम चेंज करें या उसको हम मॉडिफाई करें तो वो हम कर सकते हैं अमेंडमेंट के थ्रू। और हम इसे रिजिड इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर कोई एक इंडिविजुअल या पॉलिटिकल पार्टी उस रूल से खुश नहीं है और वो चाहती है कि हम इस रूल को चेंज करें तो वो पॉसिबल नहीं है। किसी भी रूल को चेंज करने के लिए आपको अमेंडमेंट करना पड़ता है और उसके लिए आपको मेजॉरिटी चाहिए होती है। इसीलिए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बोलते हैं और फ्लेक्सिबल बोलते हैं। रिजिड और फ्लेक्सिबल दो इम्पोर्टेंट फीचर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आप लोगों को पता होने चाहिए। एक और फीचर जो आप लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए वो ये है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जितनी भी कंट्रीज जहां डेमोक्रेसी होती है उनका कॉन्स्टिट्यूशन जनरली रिटन होता है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम एक ऐसी कंट्री है जहां पर डेमोक्रेसी तो है लेकिन उनका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, तो ये एक एक्सेप्शन है और इससे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन नहीं है। अब मैं आप लोगों को दो इम्पोर्टेंट डेट्स बताऊंगा जो पेपर में काफी बार पूछी जाती हैं। पहली है 26 नवंबर 1949, इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों ने अडॉप्ट करा था, और 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन काम करने लगा था। ये दो अलग अलग डेट्स हैं और इनके सिग्निफिकेंस अलग अलग हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक शॉर्टकट ट्रिक जिससे आप इन्हें याद रख सकते हैं। देखिए, जो वर्ड अडॉप्टेड है इसमें टोटल 7 कैरेक्टर्स हैं और 7 का जो स्क्वायर होता है यानी कि 7 × 7 वो होता है 49। तो जहां भी आप लोगों को अडॉप्टेड वर्ड मिले उसके साइड आप 1949 लगा दीजिएगा और आपका आंसर सही होगा। तो एक ये शॉर्टकट ट्रिक है जिसे आप याद रख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था। देखिए, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो है वो ये है कि जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था तो उसमें एक ऑप्शन होता है बीआर अंबेडकर का, और बहुत लोग बीआर अंबेडकर को टिक करके आते हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बहुत सारी कमिटीज थी। उन कमिटीज में से एक कमिटी थी ड्राफ्टिंग कमिटी, और बीआर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करा था ना कि उसे फॉर्म करा था। तो आप ये याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ना कि बीआर अंबेडकर ने। कॉन्स्टिट्यूशन को तो फॉर्म करा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 ने। तो ये आप ध्यान से याद रखिए, सबसे पहले आया कैबिनेट मिशन 1946 का, इसने बनाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का आइडिया सबसे पहले किसने दिया था। तो वो थे एम एन रॉय, और इन्होंने ये आइडिया दिया था 1934 में।
1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करने की। इसके बाद ब्रिटिशर्स पर काफी प्रेशर था और फाइनली 1940 में ब्रिटिशर्स ने डिमांड मान ली और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करने की इजाजत दे दी। इसको हम बोलते हैं ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940। नेक्स्ट आया क्रिप्स मिशन 1942 का। ये तब आया जब वर्ल्ड वॉर टू चल रही थी। इस समय ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया उन्हें सपोर्ट करे और उसके बदले इंडिया को वो लोग डोमिनियन स्टेटस देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इनकी ये डिमांड रिजेक्ट करी क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया को पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले, ना कि डोमिनियन स्टेटस। इसीलिए क्रिप्स मिशन को उन्होंने रिजेक्ट किया और क्रिप्स मिशन फेल हो गया। नेक्स्ट आया कैबिनेट मिशन 1946 का। इस मिशन के अंदर एक प्रोविजन पास हुआ जिसकी मदद से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया। जो फर्स्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 9 दिसंबर 1946 को न्यू दिल्ली में हुई और इस मीटिंग को मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट करा। 9 दिसंबर 1946 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है और एक काफी बार पेपर में पूछी जा चुकी है। इस मीटिंग के दौरान डॉक्टर सचिदन सिन्हा को इलेक्ट करा गया टेम्पररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। याद रखिएगा ये परमानेंट चेयरमैन नहीं थे, ये टेम्पररी चेयरमैन थे। पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर उस क्वेश्चन में डॉक्टर सचिदन सिन्हा को ऑप्शन हो तो आपको डॉक्टर सचिदन सिन्हा को टिक करना है, लेकिन अगर ऑप्शन सचिदन सिन्हा का ना हो तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ऑप्शन टिक करना है। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एचसी मुखर्जी को बनाया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और बीएन रॉय बने एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो तीन अपॉइंटमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफी बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा जो स्पीकर बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो बने जीवी मावलंकर, जो बाद में चल के फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा बने। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी और उनके चेयरमैन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये चेयरमैन थे रूल्स ऑफ प्रोसीजर, स्टीयरिंग, फाइनेंस और स्टाफ कमेटी के। जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे स्टेट, यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के। सरदार वल्लभ भाई पटेल चेयरमैन थे एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरियाज के। बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के और जे बी कृपलानी चेयरमैन थे फंडामेंटल राइट्स के। इसके अलावा जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी थी इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और पेपर में क्वेश्चन इस कमेटी से काफी पूछे जाते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी 24 अगस्त 1947 को बनी और इस कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे जिनके चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी ने कुल 3 ड्राफ्ट निकाले 1948 में और उसके बाद जाके इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करा। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते बनाते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे और इन दौरान 11 सेशन हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। टोटल एक्सपेंडिचर जो लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में वो था 64 लाख। ये एक अप्रोक्सीमेट फिगर है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने टाइम पर 3 मेन अडॉप्शन करे। सबसे पहले उन्होंने अडॉप्ट करा नेशनल फ्लैग, ये उन्होंने करा 22 जुलाई 1947 में। नेशनल फ्लैग को डिजाइन करा था पिंगली वेंकैया ने और जो रेशो है लेंथ इज टू विड्थ का हमारे नेशनल फ्लैग का वो है 3:2। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट करा 24 जनवरी 1950 में। हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो है वंदे मातरम, जिसे लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एंथम को अडॉप्ट करा 24 जनवरी 1950 में। हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, जिसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को नेशनल एंथम के बारे में पता होना चाहिए वो ये है कि हमें नेशनल एंथम को विद इन 52 सेकंड्स ही गाना होता है। इसके अलावा जो फाइनल सेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो था 24 जनवरी 1950 को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 24 जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया घोषित किया। याद रखिए ये फर्स्ट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नहीं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। 26 जनवरी 1950 में
जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फुल ऑपरेशन में आ गया, उस दिन के बाद से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नाम बदल के हमने रख दिया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आप लोगों को याद रखनी है। ये डेट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे पेपर में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप इन डेट्स को अच्छे से याद कीजिए। सबसे पहली जो डेट है वो है 26 नवंबर 1949। इस दिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन फुली ऑपरेशनल हुआ। जो कैबिनेट मिशन था वो आया 1946 में, जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करा। 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया दिया गया और ये दिया आइडिया एम एन रॉय ने। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड करी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। ऑगस्ट ऑफर आया 1940 का, जिसमें ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट करी कांग्रेस की ये डिमांड। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो हुई 9 दिसंबर 1946 को न्यू दिल्ली में। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो 24 अगस्त 1947 को बनी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करा 22 जुलाई 1947 में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट करा 24 जनवरी 1950 को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एंथम को अडॉप्ट करा 24 जनवरी 1950। और जो फाइनल सेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो था 24 जनवरी 1950। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करूंगा, वो ये है कि जब आप इस वीडियो को देख लें और इसे अच्छे से याद कर लें तो इसका आप एक टेस्ट दीजिए। टेस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप उसे वहां से ले सकते हैं। टेस्ट से पता चलेगा कि आपको ये टॉपिक कितना समझ आया है। इसके अलावा अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपका कोई डाउट या सजेशन हो तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।